और अब खबर देवास से मिल रही है, जहां पर नागदा में बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग के क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तो देवास से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नागदा में एक बार फिर बाघ के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। वन विभाग ने इस क्षेत्र में अलर्ट कर दिया है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहां पर दी गई है। तो वन विभाग ने इस क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नागदा में एक बार फिर बाघ के पैरों के निशान पाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जैसे कि एक बार फिर यहां पर बाघ का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बाघ के पैरों के निशान यहां पर मिले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल जी, आज मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बाघ की हलचल एक बार फिर जो है नागदा क्षेत्र में देखने को मिली है, और नीलगाय का शिकार भी बाघ ने किया है जिस तरह से, और पग मार्क भी बाघ के मिले हैं, इसकी पुष्टि वन विभाग के अधिकारी कर चुके हैं। और दिसंबर माह जो 2016 का है, तब से ही बाघ की इस क्षेत्र में हलचल थी, और इसे पकड़ने के लिए जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, तीन हाथियों की मदद ली गई थी। और एक बार फिर से जब जैसे ही बाघ की आमद दर्ज हुई है, तो वन विभाग ने सतर्क रहने की सलाह भी दी और 5 कैमरे भी लगाए गए हैं इसके जो मूवमेंट को पता करने के लिए। जी आज जी अमिताभ, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वन विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया, सतर्क रहने के लिए कहा गया है क्षेत्र के लोगों को, साथ ही यहां पर कैमरे लगा दिए गए हैं, सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न